हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तब स्टडी सेंटर 123 में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइकिल के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्लिंग साइकिल के बारे में देखेंगे। स्टार्लिंग साइकिल में क्या क्या कांस्टेंट होता है उसके बारे में पहले देखेंगे। तो दो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कहने का मतलब हो गया आइस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल कहने का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से इसका टीएस डायग्राम बनता है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो ये इस तरह से फिगर बना के दे देता है कि ये किसका है, किस साइकिल का डायग्राम है। तो आपको स्टार्लिंग साइकिल बताना है। 1 से 2 में आइसोकोरिक कंप्रेशन या कांस्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन। 1 से 2 में आइसोकोरिक है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। आइसोकोरिक को ही हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। 2 से 3 में कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो रहा है। यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है या आइसोथर्मल हीट एडिशन इसको बोल सकते हैं। 3 से 4 में आपको कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है यानी कि बढ़ रहा है। 4 से 1 में हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। अब इसी को हम लोग पीवी डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से कि पीवी डायग्राम में तो इधर ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। तो 1 से 2 में, 1 से 2 में हो गया आपको कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 से 3 में कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग स्टार्लिंग साइकिल के बारे में देखें। स्टार्लिंग साइकिल में मेनली रूप से दो ही चीज़ पूछता है, क्या क्या कांस्टेंट होता है और कैसा इसका टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, स्टार्लिंग साइकिल में 2 आइसोकोरिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। टीएस डायग्राम इस तरह से और पीवी डायग्राम इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम लोग इरिक्शन साइकिल के बारे में देखेंगे। तो इरिक्शन में होता है 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि 2 S है। तो प्रेशर में 2 S आता है यानी कि इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसका टीएस डायग्राम इस तरह से 1 से 2 में हो गया कांस्टेंट प्रेशर, 2 से 3 में कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर। पीवी डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। इसमें 1 से 2 में हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक एक्सपेंशन, 2 से 3 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 3 से 4 में आइसोबैरिक कंप्रेशन, 4 से 1 में आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इस तरह से हम लोग इरिक्शन साइकिल के बारे में पढ़ें। 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर। एगो है लिनवाइज साइकिल। लिनवाइज साइकिल में 3 ही प्रोसेस, ऐसे मोस्टली हर एक साइकिल में 4 प्रोसेस या इससे अधिक होता है, लेकिन लिनवाइज साइकिल में 3 प्रोसेस होता है। मेनली यूज्ड इन पल्स जेट इंजन। लिनवाइज साइकिल मेनली यूज होता है पल्स जेट इंजन में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। ये होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट प्रेशर और एगो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लिनवाइज साइकिल में 3 प्रोसेस होता है।